बिहार की नदियाँ और अपवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ को समझने के लिए सबसे आसानी से समझा जा सकता है। ये है बिहार, ठीक है। ई ढुकल गंगाएं में, गंगा ढुक गई, ठीक है। ये रही उत्तर की नदियाँ, ये रही दक्षिण की नदियाँ। सबसे ज़्यादा नदी किधर है? उत्तर के साइड। सबसे कम दक्षिण के साइड। उत्तर की नदियाँ हिमालय की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ पठारिया नदियाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाढ़ भयंकर उत्तर की नदियाँ, बाढ़ कम दक्षिण की नदियाँ। सिंचाई की सबसे ज़्यादा सुविधा दक्षिण उत्तर की नदियाँ, कम सुविधा दक्षिण की नदियाँ। क्या इतना फैक्ट पता? आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? चौसा में। चौसा में गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में कहाँ ढुकेगी? चौसा नदी में। चौसा में ढुकेगी, चौसा के पास। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर पठारी से भाग से निकलती है? फागु नदी कहाँ से बहती है? गया से निकलती है, छोटा नागपुर से निकलती है। यह पुनपुन नहीं निकलती है, बराकर नहीं निकलती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। हैं, 425। पूरा कितना है? 2500 कुछ है। गंगा लंगी लंबाई कितना हुआ जी इसका? 25%, 50-25, 20% है इस कुल लंबाई का। यहाँ पे क्या, हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है वो बरहरिया से पश्चिम है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार के गंगा में उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी तो ये तीनों है, सोन उत्तरी नहीं है ये जान जाइए, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, लेकिन ये तीनों में ये बड़की है, 120 किलोमीटर। बिहार के उत्तरी भाग में भाग की नदियाँ एवं उसके उद्गम स्थान जहाँ से निकलती है उसका बेमेल है। बेमेल कौन सी होगा? ये ना होगा जी, क्या सी आंसर दिया है? बिहार हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सरयू, घाघरा, महानंद ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलेली, पुनपुन में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? सोन नदी उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है, वो पहले ही बताया। निम्नलिखित नदी में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? बागमती जो है दक्षिण की तरफ से नहीं, उत्तर की तरफ से मिलती है। फागु इधर से मिलेगी, इधर से मिलेगी, इधर से मिलेगी, क्या कितना आसान आसान क्वेश्चन है जी। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई कितना अभी ना था? 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है मिलीमीटर में दे रहा है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 115 से लेकर 150 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है जी? घाघरा सारण में प्रवेश करती है। सारण एक कमिश्नरी है और जिला भी है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट मिल जाती है घाघरा नदी, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। घाघरा नदी सबसे पश्चिम में मिलती है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताया जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में आकर मिलती है। महानंदा नदी।
पूर्वी नदी कौन है? महानंदा नदी। दक्षिण बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिमी में, पश्चिम से बिहार में गंगा नदी मिलती? कितना बढ़िया मेरा क्वेश्चन है। सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वो कौन सा नदी है जो पूर्व, जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा से मिलती है? चंदन नदी। गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर एक बैराज है का, जहाँ से पानी का कंट्रोलेशन होता है। हाँ, उत्तर बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, महानंदा ना होगा जी? महानंदा नदी ने पूछा है यार। महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कहाँ मिलती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, कटिहार। दक्षिण बिहार के प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, ये है पलमू चौड़ा पहाड़ी। फागु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? मोहन नदी से मिलकर, मोहन नदी से मिलकर। किउल नदी जो खमरडीहा के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समूहित होती हैं, इनमें से कोई नहीं कि इनमें से सभी की। आगे बढ़ते हैं। करमनासा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकल के बिहार में किस जगह पर गंगा में मिलती है? चौसा के पास, करमनासा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? नवादा में काकोलत जलप्रपात है। बिहार के जलप्रपात का सही समूह है, दोनों सही है जी, काकोलत दुर्गावती, चिवराखंड, कोकोलत दुर्गावती, करमनासा नदी को परमात्मा। बिहार में गरम जल स्रोत जल सोते पशु प्रसिद्ध ऐतिहासिक है, राजगीर में है, छठा में हम लोग पढ़े थे। बिहार में उत्तर बिहार के नदी जो पश्चिमी भाग से प्रवेश की पूर्व की ओर प्रवाहित होती है वो गंगा में मिलती है, बी है सरयू गंडक। आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, सही क्रम निकालें। उत्तरी भाग में प्रवाहित होने नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर है। हाँ, महानंदा पूर्व यही ना है जी। चलिए, बिहार में दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर, सोन पहले होगा, सोन पुनपुन फागु सरकरी। 32वां क्वेश्चन, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है जी? आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में मिलती है खगड़िया के निकट, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है वह कोसी है। गंडक नदी जी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा के निकट मिलेगी काजी, पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार किस स्थान पर मिलती है? फतुहा के नजदीक। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पटना से पश्चिम। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? छपरा के नटी। घाघरा नदी एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, वो अजय नदी है, अजय और जमुई। चलिए, बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत के सही समूह कौन सा है? सप्तधारा, महाकुंड, मखदुम कुंड, गौमुख, सूर्य कुंड, नाना कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर आके मिलती है जी? मुंगेर के उत्तर में।
बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी पे बसा है? बूढ़ी गंडक पे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के घाघरा शहर में है? फागु नदी किस नगर बोध गया है? फागु नदी। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी की खा ले बने हो। सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। बिहार के मध्य भाग में गंगा बहती है वह पश्चिम से पूर्व। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर के उत्तर में मिलती है। 50वां क्वेश्चन है महानदी